जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। पितृ अमावस, अमावस एक ऐसी तिथि होती है जिस पर हम देवी देवताओं के साथ साथ अपने पितरों को भी स्मरण करते हैं और पितृ अमावस पे अपने पितरों को खुशियां देने के लिए हम बहुत तरह के दान पुण्य भी करते हैं। पितृ अमावस पर हम तर्पण भी करते हैं और पितृ अमावस पर हम अपने पितरों को खुश करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं। अमावस पर पितरों को जब हम कुछ भी अर्पित करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन के रुके हुए कार्य बंधने लगते हैं। भाई हम तो बहुत दूर बैठे हैं लेकिन वो ईश्वर के बहुत समीप हैं। अगर हम अपनी बात उनके ज़रिए पहुँचाएँ ईश्वर तक तो ज़्यादा जल्दी पहुंच जाती है और उनके अंदर ताकत भी बहुत होती है हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को दूर करवाने की। तो अमावस के दिन अगर आप भी ये कार्य करते हैं और अपने पितरों के लिए ये दान करते हैं तो आपको इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अमावस पर कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। बात हो रही है अमावस की और इस बार की अमावस के बिल्कुल अगले दिन से चालू हो जाएंगे गुप्त नवरात्रे। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष। और जिस अमावस के बाद नवरात्रे चालू होते हैं आप समझ लीजिए कि उस अमावस की रात्रि के अंदर स्वयं कितनी सिद्धि होगी, उस रात्रि के अंदर कितनी ताकत होगी। तो ये नवरात्रे जो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाले हैं, इससे एक रात्रि पूर्व अमावस की रात्रि को ये कार्य आप ज़रूर कर लीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि वैभव शांति हमेशा बनी रहेगी। मैं आपको लेकिन कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बताना चाहती हूँ जिन पर आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों को भी ध्यान रखवाइए और अगर अपनी जानकारी में अपने रिश्तेदारों में भी यह चीज़ आप फैलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अमावस के दिन कभी भी दक्षिण की तरफ मुख कर आपको भोजन नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत विशेष जानकारी है जिस पर सबको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अमावस के दिन आप खाना तब तक ग्रहण ना करें जब तक आप किसी गरीब को, किसी भिखारी को, किसी ब्राह्मण को या पशु पक्षी को भोजन ना दें। देखिए ये आपकी तथा के ऊपर है। अगर आप भोजन पहले निकाल के ब्राह्मण को करा देते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मण नहीं मिलते तो आप किसी गरीब को खिला दीजिए, गरीब नहीं आपको कोई मिलता तो आप कोई पशु पक्षी को खिला दीजिए। लेकिन आपके घर से बना हुआ भोजन पहले इनके पास पहुंचना चाहिए, तब आप ग्रहण करेंगे तो अमावस पर आपको ज़्यादा फल मिलेगा। अमावस के दिन अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके काम बहुत रुकते हैं, जिसके जीवन के अंदर प्रगति नहीं हो पाती है, जिसे जॉब को लेकर दिक्कत रहती है, तो अमावस पर सुबह सुबह आप एक नींबू अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। संध्या के वक्त उस नींबू को उस व्यक्ति के सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर 4 फाड़ियों में काटकर आपको चौराहे पर जाकर फेंकाना चाहिए। ऐसा करने से उसका दुर्भाग्य खत्म हो जाता है। अमावस के दिन अगर आप काले कौओं को चावल और चीनी, उबले हुए चावल और चीनी मिलाकर अगर आप खिला पाते हैं तो ऐसा करने से आपके पितर बहुत खुश होते हैं और आपके घर में हमेशा धन वैभव लक्ष्मी बनी रहती है। अमावस के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, अमावस के दिन आपको मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और अमावस के दिन आपको सात्विक भोजन खाना चाहिए। अमावस के दिन आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे आपके लिए उतना ही लाभप्रद रहेगा। एक छोटी सी क्रिया और है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, पितरों का आशीर्वाद रहेगा और साथ ही साथ में माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगी। क्या करना है आपको?
अमावस की रात्रि में एक प्लेट ले लीजिए और उस प्लेट के ऊपर आपको 7 टीके लगा देने हैं। किस चीज़ से? लाल रोली से आपको 7 टीके लगा देने हैं। थोड़े से चावल बुरक दीजिएगा और 3 तरह की सफ़ेद मिठाई ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको अपने घर के ऐसे हिस्से में जहाँ आप पीने वाला पानी रखते हैं, किसी भी पात्र में रखते हैं, चाहे वो मटकी है, चाहे वो चरी है, किसी भी चीज़ में रखते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं है, आप आरओ से डायरेक्ट पानी लेकर पीते हैं, तो एक जग के अंदर पानी रख दीजिएगा और उसके बगल में इस प्लेट को ढक के रखिएगा और वहाँ पे दक्षिण की तरफ बत्ती करके एक तेल का दीपक आपको रात्रि में जलाकर छोड़ देना है। ठीक उसी समय आपको अपने घर की छत पर जाकर थोड़ी सी सफ़ेद उड़द की दाल, जो धुली हुई दाल होती है ना उड़द की, वो और चावल लेकर आपको अपने घर की छत पर डाल देना है। तत्पश्चात आपको नीचे आकर अपने पितरों से, अपने घर के देवताओं से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर में जो भी समस्याएं हैं उनका अंत करिए, हमारे साथ जो भी दिक्कतें हैं उनका निदान करिए। और उस दिन आपको रात्रि में बिस्तर पर नहीं सोना, आपको ज़मीन पर ही सोना है। अगले दिन सुबह ये जो थाली थी जिसके अंदर आपने ये 3 तरह की मिठाई रखी थी, इसे ले जाकर आप चौराहे पर रख देंगे। थाली को आप वापस घर पर ले आएंगे। जो पानी था जग के अंदर आपने रखा था, उस पानी को आप ले जाकर अपने घर के बाहर किसी पशु पक्षी के लिए किसी चीज़ में डालकर छोड़ आएंगे। चाहे आप मिट्टी का कोई पात्र ले लीजिएगा, ऐसी चीज़ में जाकर आप रखकर छोड़ दीजिएगा और जो दिया है उसे आप अपने घर के बाहर फेंक दीजिएगा। अब आपकी छत पर जो आपने दाने डाले थे उनको आप अच्छी से साफ करके एकत्रित कर लीजिएगा। जितने भी हाथ में आए उन्हें एकत्रित कर लीजिएगा और उसे ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाइएगा। अब कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे, हमारे घर में छत नहीं है, हम तो फ्लैट्स में रहते हैं या हम लोग ऐसे रहते हैं कि हमारे यहाँ कोई खुला ऐसी जगह नहीं है। तो आपके पास कोई बालकनी होगी, आपके पास कोई ऐसी जगह होगी जो खुली होगी, जहाँ पर आप ये काम कर पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप छत पर ही करें, आप ये कार्य किसी खुली बालकनी के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो आप अपने घर के आगे जो जगह होती है वहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो सामान है जो आपने बिखेरा है अपनी छत पर, इसको सुबह जल्दी जाकर समेट लीजिएगा, ताकि ये जितना ज़्यादा आपके हाथ में आएगा उतना ज़्यादा आपको इसका फल प्राप्त होगा। ज़रूर करिएगा अमावस्या पे ये काम और इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए मुझे ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों को कालसर्प दोष की दिक्कत है और उस वजह से उनके जीवन में बहुत अटकाव आ रहे हैं, उन्हें अमावस्या के दिन एक नाग नागिन का चांदी से बना हुआ जोड़ा लेकर शिवजी के मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।